वो इंसान निकला तो था एक छोटे से बोट पे बैठकर मछली पकड़ने, बट वो वापस लौटा पूरे 438 डेज बाद। तो ये स्टोरी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूँ दीपिका एंड मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि असल घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक मछली पकड़ने वाले इंसान की जिसने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। उस इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उसे 438 डेज समुद्र के बीचों बीच बितानी पड़ी। वो इंसान निकला तो था एक छोटे से बोट पे बैठकर मछली पकड़ने, बट वो वापस लौटा पूरे 438 डेज बाद। तो ये स्टोरी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एंड हाँ, इस कहानी में आप उस इंसान की जगह खुद को इमेजिन करना, तभी आप इस रियल स्टोरी को अच्छी तरह से फील कर पाओगे। सो गाइज, मैं हूँ दीपिका एंड आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 2012 से, जब जोश सेल्वाडोर एल्वोरेंगा नाम का एक फिशरमैन मेक्सिको के एक गांव से एक छोटे से बोट में बैठकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला। और तब जोश सिर्फ 38 साल का था एंड इस बोट में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। जोश के प्लानिंग के हिसाब से उनका समुद्र में मछली पकड़ने का काम सिर्फ 30 घंटों का ही था। उनका प्लानिंग ये था कि इन 30 घंटों में वो खूब सारे ब्लैक टिप शार्क और जेलीफिश को पकड़ेंगे एंड वो उन मछलियों को बेचकर खूब सारे पैसे कमाएंगे। बट उन्हें क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तभी वहाँ एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी जिंदगी ऐसी बदली जिसे उन्होंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तूफान के आने के बावजूद भी वो अपने सिंगल इंजन वाले बोट पे बैठकर आगे बढ़ते रहे एंड इस भयंकर तूफान की वजह से उनके बोट का इंजन, रेडियो एटसेट्रा सब खराब हो चुका था। और उन्होंने अपने बोट के वेट को कम करने के लिए बोट में मौजूद 500 किलोग्राम मछलियों को वापस समुद्र में फेंक दिया। बोट के इंजन के खराब होने की वजह से बोट पर से उनका सारा कंट्रोल खत्म हो चुका था एंड जिसकी वजह से उनका बोट समुद्र में आगे बढ़ता जा रहा था। और उस बीच समुद्र में जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। अब ना ही उनके पास कोई खाने का सामान था और ना ही कोई राशन, जिसकी वजह से वो मछलियाँ, जेलीफिश, टर्टल और समुद्री मछली के कच्चे मांस को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने भूख को मिटाने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं था। और पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। वो लोग बारिश के पानी को समुद्र में बहती हुई किसी बॉटल में इकट्ठा करते। चारों तरफ पानी से घिरे होने के बावजूद भी वो समुद्र के खारे पानी को नहीं पी सकते। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा और तब उन्हें मजबूरन टर्टल के खून और अपने यूरिन को ही पीना पड़ा। लगभग 4 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। 4 महीनों तक कच्चा मांस खाने की वजह से जोश का दोस्त अब परेशान हो चुका था और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, जिसकी वजह से जोश के दोस्त की मौत हो गई। अब आप ही सोचो कि एक तो समुद्र के बीचों बीच और कोई नहीं, जोश का दोस्त ही उसके लिए एक जीने का सहारा था और वो भी मर गया। अब वो बेचारा एक छोटे से बोट पे समुद्र के बीचों बीच। इनफैक्ट उसने सुसाइड करने की भी सोची, क्योंकि उसे भी ये लगता था कि वो भी कुछ ही दिनों में अपने दोस्त की तरह मारा जाएगा। बट जोश ने हार नहीं मानी और उसने जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकता था। उसने अपने आप को भगवान के सहारे उस छोटे से बोट को सौंप दिया था। वो रात में आसमान के टिमटिमाते तारों को देखता रहता इस उम्मीद से कि उसे कोई बचाने जरूर आएगा। जोश लगभग 6 महीनों तक अपने दोस्त के मरे हुए शरीर से बात करता रहता और वो बेचारा करता भी क्या, उसकी मेंटल कंडीशन भी वैसी हो गई थी। बट फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि अब उसे हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और फिर उसने अपने दोस्त के मरे हुए शरीर को नाव से बाहर समुद्र में फेंक दिया। उस छोटी सी बोट से कई दूर कई सारे शिप्स गुजरते थे बट उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में उस छोटी सी बोट को देखना इम्पॉसिबल है। उनके सिर के ऊपर से कई सारे एरोप्लेन्स भी गुजरते थे बट उस एरोप्लेन को सिग्नल देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो गाने भी गुनगुनाता था। तो फिर ऐसे ही समय बीतता गया एंड देन फिर फाइनली जनवरी 30, 2014 को लगभग 438 डेज बाद जोश को कुछ दूरी पर एक
पहाड़ जैसा कुछ नजर आया और तब उसने अपने बोट से छलांग लगाई और तैरकर उस आइलैंड तक पहुंचा। और तब जोश ने फाइनली 438 डेज बाद जमीन पर पैर रखा। किनारे पे पहुंचने के बाद वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता वो गिरकर बेहोश हो जाता क्योंकि उसने 438 डेज तक जमीन पर पैर नहीं रखा था। फिर वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे वो जोश को अपने घर ले गए। उन्होंने जोश की बहुत ही अच्छे से देखभाल की और पुलिस को भी बुलाया और फिर फाइनली 438 डेज बाद वो अपने घर अपने फैमिली के पास वापस लौटा। उनके फैमिली को तो ये लगा था कि जोश अब मर चुका है, बट उन्हें क्या पता था कि पिछले 438 डेज ने जोश की लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। जब जोश की इस सफर की जानकारी मीडिया को मिली तो फिर ये इस दुनिया में एक मशहूर कहानी बन गई कि कैसे एक फिशरमैन ने एक छोटे से बोट में बैठकर 438 डेज तक समुद्र में बिताया। और अब ये कहानी आप तक भी पहुंच गई है। तो गाइज ये थी एक सच्ची घटना जिसमें एक इंसान ने 438 डेज अकेले एक समुद्र में बिताया और उसने अपनी जिंदगी को जीने के लिए काफी सारी लड़ाई लड़ी। वैसे अगर आप जोश की जगह होते तो क्या करते, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। It's a plus.